हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिर चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है इपिथेलियल टिश्यू यानी उपकला ऊतक। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में ऊतक एवं इसके चारों प्रकारों जिसमें से इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू के बारे में बेसिक जानकारी दी हूँ, तो उसे आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिए। तो आज हम बात करेंगे इपिथेलियल टिश्यू के बारे में। जैसा कि आप जान ही चुके हैं कि समान कार्य एवं समान रचना वाली कोशिकाओं के समूह को ही ऊतक कहा जाता है, तो उसमें से चार प्रकार में से मैं इपिथेलियल टिश्यू की बात कर रही हूँ। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसमें सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐड किया गया है। दोस्तों, इपिथेलियल टिश्यू की खोज जो है 18वीं सदी में ड्यूस नामक वैज्ञानिक, जो डच वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया। इसकी उत्पत्ति जो है, इपिथेलियल टिश्यू की उत्पत्ति भ्रूण के तीनों प्राथमिक जनन स्तर एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म से हुई है। दोस्तों, यहाँ पे दो प्रकार से इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उपकला ऊतक यानी इपिथेलियल टिश्यू की उत्पत्ति भ्रूण के किन स्तरों से हुई है। तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म से हुई है। और इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि भ्रूण के कितने प्राथमिक जनन स्तर होते हैं, तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है। एंड जो इपिथेलियल टिश्यू होता है वो शरीर की बाहरी एवं आंतरिक सतहों पर महीन परतों के रूप में आवरित होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि उपकला जो शरीर की बाहरी और आंतरिक सतहों पर महीन परतों के रूप में कौन सा ऊतक होता है, तो उपकला ऊतक यानी इपिथेलियल टिश्यू। जैसे कि ये शरीर की बाहरी और आंतरिक महीन परतों के रूप में आवरित होते हैं, जो हमारे शरीर पूरे शरीर को ढकने का कार्य करते हैं। यानी हमारे शरीर की बाहरी और आंतरिक रूप से ये सुरक्षा प्रदान करती है इपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो हमारे शरीर की स्किन जो हो गया, हमारे शरीर की जो स्किन दिख रहा है, इस पर कौन से टिश्यू है, इपिथेलियल टिश्यू है। और हमारे आंतरिक अंग जो है, जैसे कि इसके कारण जो है, इस इपिथेलियल टिश्यू के कारण हमारे गुहिकाएं और खोखले जो स्पंजी अंग हैं, स्पंजी उत्तकों के आवरण से ये नम रहता है, सूखने नहीं पाता है, ठीक है। जैसे कि हमारा मुख गुहा हो गया, स्किन हो गया, नासा गुहा हो गया, फेफड़े, आमाशय और हमारे आंतों यानी छोटी बड़ी आंतों की आंतरिक सतह लीवर, इन सबको नम बनाए रखता है। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि शरीर की बाहरी और आंतरिक सतहों पर महीन परत के रूप में आवरित होते हैं, हमारे पूरे शरीर को ढकने का कार्य करते हैं, हमारे बाहरी अंग को ढकने का, या जो हमारा स्किन है, आंतरिक अंग जो है उनके ऊपरी सतह पर पतले सतह के रूप में होता है, जिससे हमारे अंगों की सुरक्षा होती है, ठीक है। और हमारे इपिथेलियल टिश्यू से एक प्रकार का द्रव म्यूसिलेज स्त्रावित होता है, ठीक है। अब म्यूसिलेज होता क्या है, ये म्यूसिलेज जो है आंतों को स्वस्थ रखता है और शरीर में सही तरीके से पोषक तत्वों को सोखने में मदद करता है, ठीक है। और साथ ही डायबिटीज को कंट्रोल में भी ये सहायक होता है। तो इस तरह जो हमारा इपिथेलियल टिश्यू है, यह पानी और प्रोटीन को अब्जर्व करने में भी सहायता करता है और तथा बेकार यानी व्यर्थ के पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। तो इस तरह से हमारा इपिथेलियल टिश्यू जो है हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही अहम भूमिका अदा करता है, जिससे हमारे आंतरिक और बाहरी अंगों की सुरक्षा होती है, ठीक है। और ये इपिथेलियल टिश्यू कितने प्रकार का होता है, मुख्य प्रकारों के बारे में मैं बता रही हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट के लिए आवश्यक है। तो जो हमारा इपिथेलियल टिश्यू है वो तीन प्रकार का होता है, सरल उपकला यानी सिंपल इपिथेलियम एंड संयुक्त उपकला कॉम्प्लेक्स इपिथेलियम एंड विशिष्ट उपकला स्पेशलाइज्ड इपिथेलियम। इसमें से मैं सरल उपकला में जो टाइप्स हैं, सल्की यानी स्क्वेमस, घनाकार यानी क्यूबॉइडल, स्तंभी यानी कोलियुमनर, आभासी यानी प्सीडो,
इसके बारे में एंड जो हमारा विशिष्ट उपकला है ग्रंथिल उपकला, जिसमें से अंतःस्रावी बाह्यस्रावी और मिश्रित ग्रंथियों के बारे में बात करूंगी जो आपकी एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ हम मुख्य मुख्य इपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करेंगे, जैसे कि सरल उपकला सिंपल इपिथेलियल टिश्यू में सल्की उपकला स्क्वेमस, घनाकार उपकला कोबोइडल एंड स्तंभी उपकला कोलिमनर आभासी उपकला। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे सल्की उपकला स्क्वेमस की। जो स्क्वेमस सल्की उपकला होता है एक पतली चपटी सल्क की तरह होता है। ठीक है, इसमें जो केंद्रक होते हैं सुस्पष्ट होते हैं, जिसमें जैसा कि चित्र में दिख रहा है कोशिकाओं की भित्ति अनियमित होती है और यह फेफड़ों की कुपिकाओं रुधिर वाहिकाओं की भीतरी सतह को बनाती है और मुख गुहिका ग्रसनी तथा नाक में पाई जाती है तथा इसका कार्य जो है बाहरी चोट से रक्षा करना है। क्या कार्य करता है? बाहरी आघातों से हमारे इन आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। ठीक है, और हमारी स्किन जो है इस पे भी किसमें क्या पाया जाता है? इपिथेलियल टिश्यू ही पाया जाता है सल्की उपकला। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि रुधिर वाहिकाओं की भीतरी सतह को कौन सी उत्तक बनाती है? तो सल्की उपकला यानी स्क्वेमस। यदि ये नहीं दिया रहेगा, डायरेक्ट उपकला उत्तक दिया रहेगा यानी इपिथेलियल टिश्यू दिया रहेगा तो वही सही रहेगा। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करेंगे घनाकार उपकला यानी क्यूबॉइडल की। यह इसकी कोशिका भित्ति बहुकोणीय होती है। ठीक है, और यह छोटी आंत पैंक्रियाज वाहिनी लार वाहिनी तथा थायराइड की सतह में पाया जाता है। ठीक है, इसका कार्य जो है अवशोषण मल त्याग तथा स्त्राव में हेल्प करना है, न कि स्त्राव करना है। क्या करना है? ध्यान से शब्दों को सुनिएगा। इसका क्या है कि अवशोषण मल त्याग तथा स्त्राव में हेल्प करना है, न कि स्त्राव करना है। ठीक है, तीसरा है स्तंभी उपकला कोल्यूमनर। यह लंबी आकृति बहुकोणीय होती है और यह आंत अमाशय तथा पित्ताशय की भीतरी भित्तियों पर पाई जाती है। भीतरी भित्तियों पर इसका कार्य जो है अवशोषण तथा स्त्राव इसका कार्य है। तो हम यहाँ पे कंपेरिजन करेंगे घनाकार उपकला और स्तंभी उपकला में। जैसे कि घनाकार उपकला ये बता रहा है कि ये छोटी आंत पैंक्रियाज वाहिनी लार वाहिनी थायराइड की सतह में पाया जाता है। सतह में पूछेगा तो घनाकार उपकला क्यूबॉइडल और उसकी भीतरी भित्तियों पर या भीतरी दीवारें पर पूछेगा तो स्तंभी उपकला यानी कोल्यूमनर। और जबकि स्तंभी उपकला का कार्य अवशोषण और स्त्राव करना है और इसी अवशोषण और स्त्राव में सहायता करना किसका काम है? क्यूबॉइडल घनाकार उपकला का। ठीक है, नेक्स्ट है आभासी उपकला। आभासी उपकला जो है जैसा कि चित्र में दिख रहा है ये स्तंभाकार कोशिकाओं की बनी दो सतही दिखाई पड़ती है क्योंकि यह अन्य की अपेक्षा से छोटी होती है। यह श्वास नली तथा बड़ी श्वसनिकाओं की भीतरी सतह पर स्थित होती है जिसमें से म्यूकस निकलता है जो क्या करता है? यह इपिथिलियमी सतह पर कड़ों को पकड़े रहता है। जो हमारे श्वास नली में बाहर से बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं इन सब को बाहर निकालने का अंदर नहीं जाने देता है। ठीक है, तो ये हमारे बैक्टीरियाओं से हम रक्षा करने का भी कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, इन चारों में जो मुख्य पॉइंट था उसको मैंने इसमें बता दिया, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता है। तो इसको आप मुख्य पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है विशिष्ट उपकला स्पेशलाइज्ड इपिथिलियम टिश्यू। इसके अंतर्गत हमारी ग्रंथियां आती हैं। तो इस प्रकार हमारे जो ग्रंथियां हैं वो भी जो ग्लैंड्स हैं वो भी हमारी किससे बनी होती है? इपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारी ग्रंथियां किस टिश्यू से बनी होती हैं? तो इपिथेलियल टिश्यू से बनी होती हैं। तो ये ग्रंथियां यानी ग्लैंड्स तीन प्रकार की होती हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथियां यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियां या इंडोक्राइन ग्लैंड्स, मिश्रित ग्रंथियां यानी मिक्स्ड ग्लैंड्स। तो बाह्यस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं इसमें वाहिकाएं होती हैं, इसमें क्या होता है एंजाइम का स्त्राव करती हैं। ठीक है, लार अश्रु अमाशय आंत ग्रंथियां तथा यकृत में बाह्यस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये क्या करती हैं? इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं और ये वाहिकाएं होती हैं जिससे कि ये
इनसे जो स्त्रावित होती है एंजाइम्स ये रक्त में जा करके न मिल सके, ठीक ना, ब्लड के संपर्क में नहीं आता है। अगर ये ब्लड के संपर्क में आ जाता है तो खराब हो जाता है, इसलिए इसमें नलिकाएं होती हैं जो ब्लड के संपर्क से इसको क्या करती है, बचाती हैं। एंड अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये पिट्यूटरी पीयूष जिसे कहते हैं, पिट्यूटरी को भी पीयूष ग्रंथि कहते हैं, थायराइड पैराथायराइड अधिवृक्क यानी एड्रिनल आदि में ये पाया जाता है। यह ग्रंथियां अपने हार्मोन्स को सीधे ही रुधिर में छोड़ती हैं, ठीक है, इसलिए इसको अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। इनमें वाहिकाएं नहीं होती हैं, ठीक है, इसमें वाहिकाएं नहीं होती हैं, डायरेक्ट अपने हार्मोन्स को रुधिर में छोड़ती हैं। तो इसमें एक पॉइंट ऐड करना भूल गई हूँ, जैसे कि अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है हार्मोन का स्त्राव करती हैं, वाहिस्रावी ग्रंथियां एंजाइम का स्त्राव करती हैं। तीसरा है मिक्स्ड ग्रंथि यानी मिश्रित ग्रंथि, इसे मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, ठीक है, ये एंजाइम तथा हार्मोन दोनों का स्त्राव करती है। इसका एक ही मात्र उदाहरण है आग्नाशय। तो यहाँ पे मुख्य पॉइंट ध्यान रखने योग्य है कि वाहिस्रावी ग्रंथियां एंजाइम का स्त्राव करती हैं, जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन्स का स्त्राव करती हैं, मिश्रित ग्रंथियां हार्मोन्स तथा एंजाइम दोनों का स्त्राव करती हैं। वाहिस्रावी ग्रंथियां में वाहिकाएं होती हैं, ये अपने एंजाइम्स को रक्त में नहीं छोड़ती हैं, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां में वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं, ये अपने हार्मोन्स को डायरेक्ट रक्त में छोड़ती हैं, और मिश्रित ग्रंथि एंजाइम्स तथा हार्मोन्स दोनों का स्त्राव करती है, जिसमें अग्नाशय सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक प्रकार का बनता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो यकृत है जो वाहिस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि दूसरे नंबर की कौन है, तो अग्नाशय है, ठीक है, जो मिश्रित ग्रंथि है। तो दोस्तों इस वीडियो में सबसे बड़ा पॉइंट इनकम के आता है कि जो हमारे बाहरी एंड आंतरिक अंगों की सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कौन करता है, इपिथेलियल टिश्यू। हमारे बाहरी और आंतरिक अंगों के आवरण यानी ढकने का कार्य कौन करता है, इपिथेलियल टिश्यू। तो हमारे अग्नाशय जितने भी आंतरिक अंग हैं उन सबको ढकने का, हमारे त्वचा जो है वो भी इपिथेलियल टिश्यू से बना है, और हमारे जो ग्लैंड्स हैं बाह्यस्त्रावी अंतःस्त्रावी मिश्रित ग्रंथियां भी इपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है। तो दोस्तों ये था इपिथेलियल टिश्यू के बारे में वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।